द एरे। तो एरे जो है कंट्रोवर्सी में क्यों है, 2014 से जुड़े यह विवाद है। एकनाथ शिंदे अब सीएम बने, उद्धव ठाकरे जब नेचर के बहुत करीब माने जाते थे, अब वो भाई सीएम है ही नहीं है। तो ऐसे में जो सीएम है कि जो कुर्सी इनके पास है, एकनाथ शिंदे के पास है, तो एक मेट्रो स्टेशन जो एरे बनाना था उसके उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा था जंगल को काट कर नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो एरे एरे के बारे में देख लेते हैं। द न्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेडेड ऑफ द रेबल चीफ्स द सेना लीडर्स एकनाथ शिंदे रिलीज द प्रीवियस द गवर्नमेंट 2022 डिसीजंस रिलोकेटेड द प्रपोज्ड मुंबई मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट एरे कॉलोनी। तो विद्रोही सेना शिवसेना नेता जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कॉलोनी को प्रस्तावित मुंबई मेट्रो सेट परियोजना को स्थानांतरित करने के लिए पिछली सरकार के जो 2020 के जो फैसले को उलट दिया है। तो क्यों उलटा है, एरे को है ना जो फॉरेस्ट का जो मुंबई का जो फॉरेस्ट का एक तरह से लंग माना जाता है। एरे फॉरेस्ट जो है एकमात्र जो ग्रीन पार्क बचा हुआ है जो मुंबई के आसपास है। इससे पहले भी बाइकुला जू को जब स्पेंड किया था तो एरे को जो छोटा किया गया था। तो सारा विवाद यहाँ है। एरे की कहानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की है, आज़ादी के बाद जो मुंबई जो वो फाइनेंशियल कैपिटल बनाया गया, इसमें जो 250,000 एकड़ में जो डेयरी बनाई गई थी इसका नाम था एरी डेयरी प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड है, वहाँ से इसकी जड़ें जो बनी हुई हैं। तो सारी चीज़ें अब इसको ये गवर्नमेंट है इसको मना कर रही है। वो पहले उद्धव ठाकरे मना कर रहे थे, अब इसको ये जो एकनाथ शिंदे जी पीएम बने हैं तो इन्होंने सबसे पहले इसी को उठाया है इसको बनाने के लिए। तो बैकग्राउंड बताई दिया मैंने। द ऑन गोइंग्स ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी हैज इट द ओरिजिन 2014, चल रहे विवाद की उत्पत्ति 2014 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज चाणक्य चौहान ने अपनी जो मिल्क कॉलोनी में जो 33.5 किलोमीटर जो भूमिगत कोलोबा बांद्रा जो सीप्ज मेट्रो परियोजना के लिए मेट्रो कोच जो धोने और जो रखरखाव के लिए एक सुविधा बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा। उस वर्ष में जो भाजपा के जो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम के जो रूप में जो पदभार संभाला था, वह अपनी जो पूर्ववर्ती योजनाओं को जो आगे बढ़े और योजनाओं परियोजना में जो कार शेड निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई शामिल कर दी। तो जो कटाई वटाई हो चुकी है सारी चीज़ें वहाँ जो सरकार राज्य सरकार ने प्रस्ताव को परिणाम जो पर्यावरणविदों को जो इन्वायरमेंटल्स जो है तो उनको और नागरिकों को जो भारी धक्का लगा इससे, और जिससे जो आर्य बचाओ आंदोलन तेज हो गया। आर्य बचाओ जो आंदोलन हुआ ये प्रोटेस्ट चला, जब जो शिवसेना जो एनपीसी और जो कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आई तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली, और जो पहले ही फैसले अपने पहले ही फैसले में जो शिवसेना के में जो आर्य को मेट्रो कार सेट के निर्माण को रद्द करने की घोषणा कर दी थी। जो आर्य वन क्या है भाई, आर्य वन जो गोरेगांव की उत्तरी उपनगर में 1300 हेक्टेयर वन भूमि में फैला हुआ है, जो आर्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एनपीसी की जो पास स्थित है, और जो महानगर का जो हरा फेफड़ा कहा जाता है इसको। आर्य यहाँ एक मिल्क जो कॉलोनी पेड़ों की जो स्वदेशी प्रजातियों और जो विभिन्न वनस्पतियों और जो जीवों का घर है। बीएमसी के मुताबिक जो आर्य जो करीबी 4.5 लाख पेड़ है, जो तितली की जो 86 प्रजातियां हैं, मकड़ी की जो 90 प्रजातियां, सरीसृप की जो 46 प्रजातियां हैं, और जो पक्षियों की जो 126 प्रजातियां, और 400 से अधिक जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। जंगली में भी तेंदुओं की एक छोटी सी आबादी घर भी है। कॉलोनी में जो 27 जो आदिवासी गाँवों में 10,000 से अधिक लोग रहते हैं जिन्हें पाड़ा कहा जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है, और जो विहार जो झील के पास में एक जलग्रहण क्षेत्र में बनता है, और जो पीने के लिए एक स्रोत है, बाढ़ और प्रदूषण का नियंत्रण करता है। तो नेशनल पार्क की योजना एसजीपी एनपीए जो कंट्रोवर्सी मुंबई मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन क्यों है। द आर्य मिल्क कॉलोनी अपनी बढ़ती आबादी और जो अर्थव्यवस्था को समर्थ करने के लिए तेजी से बढ़ते हुए शहर के आसानी को सुलभ और कृषि उपज को आवश्यकता थी, इससे जो आवश्यकता से मरे जो मिल्क कॉलोनी को जन्म दिया। 1949 में राज्य में डेयरी विकास विभाग की जो 1300 एकड़ जो जमीन आवंटित की गई थी। दस्टी मुंबई में अस्वच्छ और जो एक संगठित मवेशी शेड को सुव्यवस्थित करने के लिए डेयरी उत्पादों के लिए और जो आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक अलग क्षेत्रीय क्षेत्र विकसित किया था। इस विचार में पीछे तत्कालीन जो बॉम्बे मिल्क जो कमिश्नर्स दारा एन जो खुरेड़ी थे, उन्होंने जो 1963 में वर्गीज कुरियन के साथ जो रेमन मैक्से को पुरस्कार जीता। जो मेट्रो परियोजना क्या है, जो 27 भूमिगत मेट्रो को साथ जो कोलाबा जो बांद्रा जो स्पीज कॉरिडोर के लिए एक तैयार करने वाला पहला भूमिगत मेट्रो होगा। यह कार शेड जो 33 हेक्टेयर के स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है, जो 1278 हेक्टेयर और जो भूमि का जो 2% है।
MMRCL ने कहा कि जो 33 हेक्टेयर के इस भूमिकरण से आगे और अन्य हिस्से के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो साइट तीन तरफ से जो सड़क के जो मार्ग पहुंचा जा सकता है इससे। परियोजना के लाभ क्या क्या होंगे, अभी देखो इससे बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर, घरेलू प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए सही जो प्रमुख जो परिवहन केंद्रों के साथ जो महत्वपूर्ण जो आवासीय जो व्यावसायिक शैक्षिक स्वास्थ्य और जो मनोरंजक जो मनोरंजन केंद्रों को जोड़ेगा, सारी चीज़ें एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर जो कॉरिडोर अंतर जो रोजाना 17 लाख योजनाओं को पूरी करेगा। कॉरिडोर न केवल जो प्रतिवर्ष जो 10,000 मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन का काम करेगा, बल्कि जो मुंबई में भी सार्वजनिक परिवहन को बिगड़ती यात्रा की स्थिति और जो सड़कों के यातायात को बिगड़कर निपटने के लिए मदद करेगा। MMRCL ने आगे कहा था कि कार को डिपो अनिवार्य आवश्यक है यहाँ पे। तो रीच से रिलेटेड देखो सर्च देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें आगे कवर हो गया पूरा। तो ये आरक्षित वन क्या है, इससे कौन घोषित किया जा सकता है इसे, और जो इसे संरक्षित वन किस प्रकार से विभिन्न है, इस प्रकार के पास होने के लिए विभिन्न प्रकार की नदी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चीज़ है सारी चीज़। और ये क्वेश्चन है UPSC रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो वनस्पति संरक्षण के यथा स्थान विधि के लिए स्थल नहीं है, तो ए हमारा जीवमंडल, बी हमारा जो बोटनी गार्डन इज द करेक्ट आंसर इसका। तो स्पेसिफिक जो मैन के लिए स्पेसिफिक जो इसे देख सकते हैं आप, जो विकास और शहरीकरण पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकते।